नमः शिवाय। इजी गृहस्थी में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को? सभी जानते हैं कि अषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि 4 महीने के लिए ऐसे कहा जाता है कि देव सो गए हैं। उसके पश्चात जब भगवान विष्णु करवट लेते हैं तो वह करवट भगवान विष्णु भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लेते हैं। इस करवट बदलने के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए यह पद्मी एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो लोग श्री हरि का ध्यान करते हैं उन्हें संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और प्रभु गणेश की भी पूजा होती है। इस बार यह व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी मंगलवार 6 सितंबर को सुबह 5:54 पर शुरू होगी और इस एकादशी का समापन 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर होगा। परिवर्तनी एकादशी के पारण का समय रहेगा 8 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर सुबह के 8:33 के बीच में। इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत से चंद्रमा की हर खराब प्रभाव को हम रोक सकते हैं। ग्रहों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है और यह व्रत करने से हमारे जितने भी अशुभ संस्कार होते हैं हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इस बार यह व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। अगर आप यह व्रत रखते हैं तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी जरूर अर्पित करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उसके साथ ही मोदक और दुर्वा अर्पित करें गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी की और फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब व्यक्ति को आप जल, अन्न, वस्त्र या छाते का दान करें। भगवान विष्णु से अपने जीवन की तमाम समस्याएं खत्म करने के लिए प्रार्थना करें। तो यह थी परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी जानकारी। इसी तरह के व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए आप इसी गृहस्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।